नमस्कार, नीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। एक नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस नाश्ते को मैं पोहे और नूडल से बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कप पोहे लिए, इसको अच्छी तरह से धो करके और पानी निकाल करके रख दिए हैं। ऐसे ही मैंने एक कप नूडल लिए हैं, उसको मैंने दो ग्लास पानी डाल करके उबलते हुए पानी में डाला और पक जाने पर उन्हें छान करके ले लिया है। ये नूडल्स हैं। नूडल आप अपनी पसंद के कोई से भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने एक प्याज को बारीक काट करके लिया है, एक उबला हुआ आलू इसको काट करके लिया है। अगर आपके पास उबला हुआ आलू ना हो तो कच्चे आलू को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब प्याज फ्राई करेंगे उसी टाइम आलू को भी डाल देंगे तो वो भी पक जाएगा। साथ में मटर है और ये 4 चम्मच के लगभग होगी। एक छोटा उबला हुआ आलू है, कुछ करी पत्ते हैं 8-10, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, बारीक सेव है और आधे नींबू का रस है। और ये नूडल का मसाला, तेल लिया है 5-6 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, राई 1/2 चम्मच, सौंफ और खड़ा धनिया ये भी 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार लगेगा। ये मूंगफली है, ये तली हुई मूंगफली है, आप इसकी जगह रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। नूडल और पोहे का नाश्ता बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर। कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं तेल डाल देती हूँ, गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें राई, जीरा, राई, खड़ा धनिया और सौंफ डाल देती हूँ। साथ ही करी पत्ते डाल देती हूँ। प्याज और हरी मिर्ची डाल देते हैं, इनको हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ। आलू और मटर को डाल देती हूँ। सभी चीज़ें पक गई हैं इसमें, अब मैं इसमें पोहे डाल देती हूँ। साथ ही नूडल्स भी डाल देती हूँ। इन्हें अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दूंगी। मैंने सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम ढक कर के 2 मिनट तक पकने देंगे धीमी आंच पर। दो मिनट हो गए हैं, इसमें नमक डाल देती हूँ और एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। नमक डाल करके भी मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ
और इसमें डाल देती हूँ नींबू का रस। इसको भी मिक्स कर देती हूँ एक बार। पोहे और नूडल का नाश्ता बनकर के तैयार है। मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। पोहे और नूडल के नाश्ते को मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। अब इस पर मैं नूडल का मसाला डाल दूँगी। मसाला डालने के बाद में मैं इसमें बारीक सेव डाल दूँगी। बारीक सेव के बाद में मैं मूंगफली डाल देती हूँ। मूंगफली डाल दी है, उसके बाद में मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी। नूडल और पोहे का स्वादिष्ट नाश्ता बनकर के सर्व करने के लिए तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।